आप सभी वेलकम माय ब्लॉग नीलम व्लॉग्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक नई रेसिपी पेश करने जा रही हूँ, जो है लौकी की सब्जी, जो कि हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। हमें लौकी की सब्जी खानी चाहिए, जिससे कि हमारा वेट लॉस करने में भी मदद मिलती है और हमारा जो ये स्टमक है जो मेरा भी बड़ा हो रहा है ये भी थोड़ा कम हो सकता है। हम शुरू करते हैं आज की रेसिपी और आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सो आज की रेसिपी शुरू करते हैं, आइए मेरे साथ। तो हमने यहाँ पहले से ही तेल गरम कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो। और इसमें सबसे पहले हम क्या डालते हैं, ये हमारी मसाला दानी है, इसमें डालते हैं सबसे पहले मेथी दाना थोड़ा सा। और यहाँ पे जीरा, जैसे ही हमारा मेथी दाना और जीरा चटक जाता है हम थोड़ा और ऐड कर देंगे जीरा। इसको हम थोड़ा सा आंच पहले मैं स्लो कर दी थी, इसकी थोड़ी सी हम आंच बढ़ा देंगे। जैसे ही ये चटक जाए इसमें हम ऐड करेंगे अपना अनियन और मिर्च, जो हमने की देखिए आप ऐसे काट दिया है। इसमें ये जो है प्याज और मिर्च ही ऐड करते हैं, हमें ऐसे सब्जी जो है लौकी की अच्छी लगती है। हम इसमें टमाटर ऐड नहीं करते हैं, नया स्टाइल है, प्लीज़ आप भी स्टाइल को कॉपी कीजिएगा। और हमारा आप देख सकते हैं जीरा है, ये चटकने लग चुका है और हम इसमें ऐड करेंगे, ये मैंने यहाँ पे दो प्याज है। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो हमारा प्याज है बिल्कुल ये ब्राउन हो चुका है। यहीं पे हम ऐड कर देंगे हल्दी, आप देख लीजिए। और ये नमक, सॉल्ट स्वाद के अनुसार जितना आपको पसंद हो। हमने यहाँ पर नमक और हल्दी अच्छे से डाल दिया है, इसको हम अच्छे से हिला देंगे। और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे लौकी, जो हमने पहले से अच्छे से काट के धो के रख दी थी। इसको हम अच्छे से हिला देंगे ताकि हमने जिसमें नमक हल्दी प्याज और जीरा मेथी सब मिक्स डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और हम इसके क्या कर रहे हैं, हम 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पे करके हम ढक लेंगे। ढक लिया और आंच को हम कर देंगे स्लो। जैसे आप देख सकते हो ये लौकी की सब्जी हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, इसमें थोड़ा सा बस और टाइम लगेगा, इसको हम 5 मिनट और पकाएंगे और 5 मिनट में ये रेडी हो जाएगी, फिर हम आपको दिखाएंगे। इसको फिर से ढक लेंगे और यहाँ पे चटनी की तैयारी हो चुकी है। यहाँ पे हमने ये धनिया जो कि खूब सारा काट लिया है इसको हम ऐड कर लेंगे अपने मिक्सर जार में। और इसको हम इसमें डाल देंगे। मैंने यहाँ पर ढक के रख दिया है। सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है, इसमें हम डालेंगे ऊपर से जरा सा हरा धनिया ताकि ये खाने में 4 चांद लगा दे और देखने में भी अच्छी लगे। इसको हम ऐसे ही रहने देंगे और इसको हम अब ढक लेंगे। हाँ जी फ्रेंड्स, खाना बनके तैयार हो चुका है, दाल लौकी की सब्जी